हेलो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में अपना भोजन और रास्ता कैसे तलाश करते हैं यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं जब वे आवाजें किसी वस्तु से टकराती हैं तो गूंजती हैं। इसी गूंज को अपने कानों से सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेते हैं चित्र में देखिए प्रतिध्वनि कीट से टकराकर चमगादड़ के कानों में लोट आती है इसी गूंज को अपने कानों से सुनकर चमगादड़ पता लगाते हैं कि वस्तु कहां है और वह कितनी बड़ी है उसका आकार क्या है इसे भी कहते हैं एकोलोकेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एको यानी कि गूंज लोकेशन स्थान जगह अर्थात प्रतिध्वनि यानी गूंज के द्वारा किसी भी वस्तु के स्थान का पता लगाना डॉल्फिन व चमगादड़ जैसे जानवरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है एकोलोकेशन के द्वारा चमगादड़ अंधेरे में भी मनुष्य के बाल के जितनी पतली वस्तु का पता लगा सकते हैं चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए भी एक्लोकेशन का प्रयोग करते हैं क्या आप चमगादड़ की आवाज सुनना चाहेंगे सुनिए